जो मैं बोल रहा हूँ ना, इट इज जो टैक्टिकल एक्शंस होते हैं उनके स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशंस होते हैं। आजकल की दुनिया में एवरी टैक्टिकल एक्शन कैन कम इनटू अ स्ट्रेटजिक डोमेन, तो गलवान हैज कम टू स्ट्रेटजिक डोमेन। ठीक है, एक चाइना ने जो किया, आई थिंक इट इज डन, इट डिड नॉट रियलाइज कि जो रेजोल्यूट इंडिया है और खासतौर से हमारी जो आर्मी है हाइब्रिड वॉरफेयर में, और मैं पाकिस्तान आर्मी की बात करता हूँ, वो भी हमें बहुत एक्सपीरियंस है हाइब्रिड वॉरफेयर, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में कोर कमांड करी थी मैंने वहां पर, तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है वहां पर, क्यों हम तो पीठ पे जब तक हमारे लाद ना दो हमें मजा ही नहीं आता, 25-30 किलो लेके चलने में मजा आता है। तो उन्होंने जो किया वहां पर उसके इम्प्लीकेशंस तो हर डोमेन में होंगे, तो यू कैन नॉट से कि एक डोमेन में हम उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे तो दूसरे डोमेन में होंगे ही होंगे। आजकल के मल्टी डोमेन मल्टी डायमेंशनल डिसीजंस हैं ये, तो ये 59 एप्स जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी करा है, इसमें तीन चार रीजंस हैं। एक तो डेफिनेटली जो रीजन है वो टू सेंड अ सिग्नल टू चाइना, जो मैं बता रहा था कि 60-65 करोड़ जो इंडियंस हैं अभी चाइना को देखो, दे विल नीड द इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट इज द ओनली मार्केट विच इज गोइंग टू ग्रो जस्ट इन नंबर्स, शेयर नंबर्स। अब नंबर्स को आप मैच ही नहीं कर सकते कहीं पर ही आप, तो इंडियन मार्केट्स दे विल नीड द इंडियन मार्केट्स फॉर द प्रोडक्ट, स्पेशली आफ्टर यू नो कोरोना वायरस, मेड इन चाइना कोरोना वायरस बोलते हैं जो चाइना के प्रोडक्ट्स है, वी डोंट पीपल डोंट नो टच इट, इवन इंडिया दे डोंट टच इट नाउ। आप मानेंगे नहीं, इंडिया में भी अभी चाइना के प्रोडक्ट्स हैं, काफी लोग बोलते हैं कि नहीं जी हमने नहीं करना है। तो आई गिव एग्जांपल, आई ट्वीटेड आल्सो, आई हैव अ 5-year-old grandson, so he doesn't know anything about anything, we keep him away from all this, he should not get influenced, but वो इतना सारा टीवी देख रहा है वो, बिकॉज बीच में हम न्यूज देखते ही हैं, तो कहता है नाना आप do you have a Chinese mobile, अच्छा नहीं मेरा सैमसंग है, कहता फिर ठीक है नहीं तो मैं तोड़ देता हूँ उसको। This is a psyche I'm talking about. So when we ban this apps out here, China has to understand that our data, and Pakistan also is affected by this. You know, data is the, I will not say new oil, data is power. जिसके पास data है, उसका power है. Power 1.0 was might is right. Power 2.0 was money is power. Power 3.0 was knowledge is power. Power 4.0 oil is power. Today data, power 5.0 पे आ गए हैं. 5.0 में data is power. जिसका data है, जो data control करता है, he's got the power. They can, you know, he's got everything. So our data is going out. नहीं तो मैं app जो खोलता हूँ, उसमें क्यों मांगता है मेरे से access to location, access to your mail, access to your you know desktop. तो ये क्यों मांगते हैं हमसे? तो basically data ले रहे हैं. तो अभी हमने सिक्योरिटी भी, उसके लिए भी इकोनॉमिक डाटा बदली कर दी, उनको बैन कर दिया है, एंड लोग इससे बहुत खुश हैं।